नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार जागिंद्र मिश्रा चैनल में। अक्षय तृतीया के दिन ले आए घर ये एक चीज, पूरा घर सोना चांदी से भर जाएगा, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अखा तीज के रूप में मनाया जाता है और हिंदू समाज में इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। दोस्तों, बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, नदी नहीं है, और उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि भी नहीं है। बैसाख मास की विशेषता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षय हो जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने के बाद कई लाख गुना अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन अपनी योग्यता को निखारने और उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला होता है और इसी के साथ इस दिन उपाय करने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। यह समय मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शायद यही एक मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे उत्तम अच्छा समय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान दान जप आदि करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन को किए गए शुभ कर्मों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि माना गया है। साल 2024 में जो अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है वो इस बार 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि के दिन सतयुग का आरंभ होने की वजह से इसे कृतांत युगी तिथि भी कहते हैं और यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्य फलदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रमाण रखने वाली भी हो जाती है। इस बार शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण, चूंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन है, इसलिए और भी शुभ हो गई है। इस तिथि के दिन धरती पर भगवान विष्णु के चरणों से माँ गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग त्रेता युग की गणना प्रारंभ इसी तिथि से होती है और पृथ्वी पर देवताओं ने 24 रूपों में भी अवतार लिया था। इनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती यानी कि जन्म भी हुआ था, तो अक्षय तृतीया की महत्व बहुत अधिक है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाए उसमें बरकत, यानी कि इस दिन को अच्छा काम करेंगे उसका फल आपको कभी भी निष्फल नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो वह काम का परिणाम कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारे द्वारा चाहे अनजाने यानी कि जाने अनजाने किसी भी काम को जिससे बुरा हो जाए, तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग लगाने के लिए भी इस दिन को अति शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है और अक्षय तृतीया पर ही सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं और यह तिथि माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठ माना गया है। तो हम बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करने से परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है, परिवार में हमेशा अन्न धन लक्ष्मी का आगमन रहे और श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत फूल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान की कभी भी हानि नहीं होती है। और कलयुग में यानी कि नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की उपासना करने से दान अवश्य करना चाहिए।
इनकी उपासना करें, फिर दान करें। ऐसा करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है और सुख समृद्धि और धन की भी प्राप्ति होती है और इस जन्म में सुख भोग कर अगले जन्म में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने अगर सामर्थ्य के अनुसार जल अनाज गंगा नदी में जाकर आप फल वगैरह कुछ गन्ना वगैरह सब कुछ या पानी से मटके जो भर कर मटके हाथ से बने पंखे का दान आदि का यानी दान करें विशेष शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण इस दिन हर किसी के लिए सोना खरीदना लगभग नामुमकिन है। तो यदि ऐसे में आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कुछ और चीज़ें भी खरीद सकते हैं। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप ये चीज़ें खरीदने से माता लक्ष्मी जी की कृपा और धन के देवता कुबेर जी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाने लग जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन आप जौ खरीदते हैं। जौ खरीदने से सोने चांदी के जैसा ही शुभ फल प्राप्त होता है। जौ बहुत ही पवित्र होता है। जौ खरीदने से सोने चांदी के जैसे लाभ होते हैं, इसे खरीदने को बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदें। इस दिन जो जौ खरीदता है भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता है, माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करता है और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है, कभी नहीं आएगी। धन दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। और एक चीज़ और भी खरीद सकते हैं, इस दिन आप कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। चूंकि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए कौड़ी जरूर लेकर आएं और माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप रख दें। माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें इस दिन और फिर आप अगले दिन इस कौड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर अपने पैसे रखने वाले तिजोरी अलमारी संदूक पर आप इसे रख दें, यानी इसको आप संभाल कर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। अक्षय तृतीया पर स्त्री यंत्र भी जरूर जरूर खरीद कर लेकर आए, बेहद शुभ होता है। स्त्री यंत्र माता लक्ष्मी का आप श्री यंत्र लेकर आएँ, बहुत ही शुभ होता है। श्री यंत्र लाकर इसे पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी का फोटो तस्वीर या फिर मूर्ति या फिर जो चांदी का सिक्का इसे जरूर खरीद कर लेकर आएँ। कोई भी चीज़ या मूर्ति लेकर आएँ, बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कंगाली, कभी भी निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी नहीं आती है, हमेशा माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आप एक मोर का पंख जरूर लेकर आएं, बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इसे लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट माथे पर आप इसे लगा दें, बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको अगर कमल गट्टे का बीज मिल जाए तो कमल गट्टे का बीज लेकर आएं, बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप गूलर की जड़ लेकर आएं, गूलर की जड़ लेकर आएंगे तो ये भी बहुत शुभ होता है। गूलर की जड़ लेकर आएं और इसे धन पेटी पे लाल कपड़े में संभाल कर रख दें बांधकर, तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और केले के पेड़ की जड़ को भी लेकर आएं आप अक्षय तृतीया के दिन, इसे पीले कपड़े में बांध कर रख दें। गूलर की जड़ को लाल कपड़े में और केले की जड़ को पीले कपड़े में रख दें तो घर में धन बरकत तेजी से बढ़ेगी। अक्षय तृतीया के दिन कुछ लेकर आए ना लेकर आए, लेकिन इस दिन आप माता लक्ष्मी के चरण पादुका जरूर लेकर आए, बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दान करें, जैसे मटका भरा हुआ पानी, अनाज मटके में भरकर दान करें, पंखे दान करें, जो भी गर्मियों में राहत पहुंचे गरीब निर्धन को, कपड़े का वस्त्र का दान करें, तो ऐसे चीज़ों का दान करें, बहुत शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो अगर बहुत ही अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।